वेलकम बैक टू द चैनल डेनियन इम्तियाज। और गाइस आज हम फिर नया टॉपिक में बात करने वाले हैं, आप लोग के लिए आ गया हूँ एक नया टॉपिक के गाइस, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है आप सभी लोगों के लिए गाइस। तो आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल तो देखा ही होगा, आज हम लोग किस बारे में बात करने वाले हैं गाइस। तो ये चीज़, ये जो रोल होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हर एक स्टूडेंट के लिए, क्योंकि हर कोई सोचता है कि मुझे एक अच्छा सैलरी और अच्छा करियर वाला डिपार्टमेंट में ही जाना, जिसमें बहुत अच्छा स्कोप हो, अच्छा करियर हो, अच्छा सैलरी मिले। तो गाइस हर कोई ये सोचता है कि मैं इसी डिपार्टमेंट में, बट वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस डिपार्टमेंट के लिए बने हो। वो आपको समझ में आ जाएगा जब आप ट्रेनिंग करते हैं, तो आपको समझ में आता है कि हाँ हम किस डिपार्टमेंट के लिए बने हैं गाइस। तो आप में जो भी क्वालिटी है, जो भी टैलेंट है, उसके दम पर आप उसके अकॉर्डिंग जो भी डिपार्टमेंट आप चूज़ करते हो गाइस। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सर्विस डिपार्टमेंट के बारे में और फूड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बारे में गाइस। ये दोनों के डिपार्टमेंट के बारे में हम लोग बात करने वाले कि दोनों डिपार्टमेंट फाइनली जो कौन सा डिपार्टमेंट जिसका सबसे ज़्यादा डिमांड है और सबसे ज़्यादा सैलरीज किस में ऑफर की जाती है गाइस। तो इन दोनों डिपार्टमेंट के बारे में हम लोग कंप्लीट बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को देखना अंत तक ताकि आप लोग को पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए गाइस। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइस, अगर आप मेरा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मैं हॉस्पिटलिटी और होटल मैनेजमेंट से वीडियो रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ गाइस, और आप लोग को अच्छी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ गाइस। तो गाइस अगर आप लोग मेरे फर्स्ट टाइम देख रहे हो मेरे वीडियो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नीचे रेड कलर का बटन हुआ उसे प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगा। तो चलो गाइस वीडियो करते हैं शुरुआत। इस वीडियो में फाइनली मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश करता हूँ कि फाइनली इसका कोर्स करियर एंड सैलरी जो भी है, इसका फ्यूचर जो और सैलरी किसमें अच्छा है, इसमें क्या है, इसके पूरी डिटेल में हम लोग बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप गाइस। तो सबसे पहले गाइस हम लोग बात करें इसकी, सबसे ज़्यादा मेहनत जो है, सबसे ज़्यादा ड्यूटी आवर्स किसमें होते हैं, या तो सर्विस में होते हैं या किचन में होते हैं गाइस। तो अगर ड्यूटी आवर्स और हार्ड वर्क की बात करें गाइस, तो हार्ड वर्क दोनों में, दोनों डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा है। अगर हर डिपार्टमेंट से बात करें ज़्यादा, तो हर डिपार्टमेंट से सबसे ज़्यादा जो हार्ड वर्क रहता है, जो काम रहता है, वो प्रेशर वो सिर्फ किचन वाले पे होता है और सर्विस वाले पर, ये दोनों पर बहुत ज़्यादा होता है काम का प्रेशर गाइस, बाकी अदर डिपार्टमेंट से अगर कंपेयर करें तो गाइस। तो दोनों में हार्ड वर्क रहता ही है, सर्विस में भी आप काम कर रहे हो तो आपको बहुत चीज़ काम रहता है ज़्यादा, और किचन में भी ज़्यादा काम रहता है गाइस। तो गाइस इस सिस्टम में हम लोग बात करने वाले हैं फाइनली सैलरी के ऊपर बात करने वाले हैं गाइस, कि सैलरी अगर सबसे अच्छा अच्छा कौन सा डिपार्टमेंट सैलरी कमा सकते हैं इन दोनों में से गाइस, सर्विस में और किचन में किनका सैलरी अच्छा होता है गाइस। तो सैलरी की बात करें तो गाइस स्टार्टिंग में अगर जो सैलरी मिलता है दोनों का, तो लगभग सेम ही मिलता है, जितना किचन वाले को मिलता है उतना सर्विस वाले को भी मिलता है गाइस। मगर यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि आप लोग जानते हो कि वेटर लोग का कमाई एक अलग, सर्विस वाले बंदे का कमाई एक अलग भी होता है, ऊपर का कमाई होता है, वो होता है टिप्स गाइस। तो इन सारे बंदों को टिप्स मिलता है गाइस, तो ऑलवेज़ जो है किचन वाले से थोड़ा ज़्यादा इनका इनकम ज़्यादा रहता है सर्विस वाले के, क्योंकि वो लोग को टिप्स अलग मिलता है गाइस। तो ये बात फैक्ट है। अब हम लोग बात करते हैं करियर की गाइस, कि दोनों डिपार्टमेंट से कौन सा डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा करियर और सबसे ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी सबसे ज़्यादा कौन से डिपार्टमेंट में रहता है गाइस। तो अगर जॉब अपॉर्चुनिटी से बात करें गाइस, तो इन दोनों डिपार्टमेंट जो है, ये दोनों का रिक्रूटमेंट और सबसे ज़्यादा जो होता है जॉब वैकेंसी, इन दोनों डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा रहता है। आप अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी, और एब्रॉड की बात करें तो इंडिया एब्रॉड में भी सबसे ज़्यादा जो वैकेंसीज आता है होटल लाइन का, हॉस्पिटलिटी का, वो सिर्फ सर्विस वेटर्स के लिए आता है, वेटर वेटरेस इसी इसी के लिए आता है, और फिर किचन में आता है, किचन में कॉमीज जो भी पोजीशन है, कॉमी सी डी पी सेफ दी पार्टी डेमी सेफ दी पार्टी सूटिप जो भी है वॉट एवर, बट सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो आता है एब्रॉड में भी, वो सबसे ज़्यादा किचन का और सर्विस का आता है। तो करियर लाइन भी बहुत ही अच्छा है, ये दोनों डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा सिमिलर जो मैक्सिमम जो गाइज जो जाते हैं, लड़के और लड़की जो भी स्टूडेंट है, वो मैक्सिमम जो जाते हैं वो यही दोनों डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा जाते हैं, या तो सर्विस में जाते हैं या तो बंदे किचन में जाते हैं, और अलग डिपार्टमेंट में मतलब कोई कोई जाता है, कोई क्या नहीं कम। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट सारा अच्छे से समझ में आया होगा और वीडियो अच्छा लगा होगा गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना और कमेंट कर देना कुछ भी, और नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना गाइस। और आपको कभी भी कुछ डाउट है, कुछ क्वेरीज है गाइस, तो आप लोग, मैंने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दिया, वहाँ से जाओ मुझे मैसेज करो, मैं 100% आप लोग को वहाँ पर रिप्लाई करूँगा गाइस। तो चलो गाइस मिलते फिर ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए टेक केयर।